Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from class 6th maths chapter number 3 whole number. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि whole number क्या होता है. उसके लिए आपको पहले previous classes में जो आपने पढ़ा है कि क्या counting number होते हैं, counting number कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से चलते ही जाते, ये सब क्या होंगे, काउंटिंग नंबर होंगे. अब अपन whole number का कंसेप्ट सीखे, उससे पहले अपन एक दो चीज़ और देखेंगे कि काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं. इनफाइनाइट यानी अनगिनत तक जाते हैं. ये अपन ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था. अब देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट आया नेचुरल नंबर का. व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक, अपन बुक में के पेज को अगर काउंट करें, है ना, तो कैसे होता है, वो स्टार्ट हमेशा जीरो से होता है, ख़त्म करते होता जहाँ तक बुक ख़त्म हो वहाँ पे, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. यही मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे. प्रॉपर्टी देखो इसकी, क्या क्या प्रॉपर्टी है. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, दिख रहा है सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा. सेकंड, 0 इज नॉट इन नेचुरल नंबर. देखो कोई 0 है क्या, 0 नहीं है, 0 के आगे से ही नेचुरल नंबर होते. देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, कोई बड़ा नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक वो जा रहा है, तो वो आप जितना भी नंबर बोलोगे उससे ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, अगला नंबर अपन को मिल जाएगा. क्योंकि आप जानते हो नंबर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए नेचुरल नंबर का भी कोई भी बड़ा नंबर नहीं होता. नेक्स्ट इज 0. ए पैक ऑफ टॉफी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द चिल्ड्रन, एक पैकेट है जो टॉफी का वो चिल्ड्रन को दिया गया. एंड सून द पैकेट वॉज एम्प्टी, अब क्या हो गया, वो पैकेट ख़त्म हो गया. देयर वॉज नो काउंटिंग ऑफ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर की कोई काउंटिंग नहीं बची है. विच कैन बी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ टॉफी लेफ्ट इन पैकेट, तो ये 0 ही है जो अपन डिफाइन कर सकते हैं कि पैकेट में एक भी टॉफी नहीं बची. दस ए नीड ऑफ ए न्यू नंबर वॉज फेल्ट, 0 की ज़रूरत है, लेकिन उस समय अपन को पता चला कि एक ऐसे नंबर की भी ज़रूरत है जो क्या है, 0 है, जो क्या डिस्क्राइब करे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सच कलेक्शन, यानी खाली को एक नंबर को डिफाइन करने के लिए एक नंबर की ज़रूरत है जो क्या है, 0 है. उसको शून्य में बोला गया है हिंदू अरेबिक सिस्टम में. होल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर. होल नंबर क्या हो गया, ये सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसके साथ 0 और आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा. समझ में आइए, होल नंबर में 0 भी साथ में होता है, पर नेचुरल नंबर में 0 साथ में नहीं होता है. होल नंबर की प्रॉपर्टी देखो, स्मॉलेस्ट उसमें नेचुरल नंबर में अपन ने 1 देखा था, अब होल नंबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ग्रेटर नंबर कोई होता ही नहीं, क्योंकि ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर, यही मैंने आपको बताया, इनफाइनाइटली होल नंबर होते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होल नंबर होता है. सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर, सक्सेसर मतलब होता है एक नंबर आगे बढ़ाना है. सक्सेसर को अपन ये भी बोल सकते हैं, आफ्टर नंबर, जो बचपन में अपन पढ़ते थे, जैसे 11 है, 11 का सक्सेसर एक बढ़ जाएगा 12, 29 है, 29 का सक्सेसर हो जाएगा 30, 0 है तो 0 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 1. इसी प्रकार प्रीसीडर्स, प्रीडिसर्स, ये होता है, ये कम करने का होता है. इसमें से एक अपन को क्या करना है, कम करना है. 1 लेस देन होल नंबर अदर देन 0, यानी आप देखिए 1 में मैं एक कम करूँगा प्रीसीडर तो 0 आ जाएगा, एक कम किया मैंने, पर 0 में एक कम करूँगा तो 0 के पीछे से कोई डिजिट ही नहीं है होल नंबर में, नहीं है ना, यानी 0 के अलावा अपन किसी का भी प्रीसीडर
प्रेडिसर्स निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बात है। जीरो इज नॉट सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर, यानी जीरो किसी का भी सक्सेसर नहीं होता, ये कहना चाहता है। और अगला आ गया एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अगले चलते हैं अपन। देखो इसमें प्रोसीजर का एग्जांपल भी दे रखा है, फाइव हो तो एक कम हो जाएगा फोर, 32 का 31 हो जाएगा, 100 हो तो 99 हो जाएगा, 1 हो तो 0 हो जाएगा। अब देखिए नंबर लाइन क्या होता है, ये भी अपन ने बचपन में भी पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है। लेट अस रिप्रेजेंट वॉल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में अपन को वॉल नंबर रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क ए पॉइंट आर, एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, इसमें से आर एक लाइन ड्रॉ किया और मैंने इसमें आर मार्क कर दिया। मेक इक्वल डिवीजन ऑन ए लाइन टुवर्ड्स द आर एंड मार्क ए बी सी डी, इनमें से मैंने नाप नाप के बिल्कुल बराबर लाइन कर दिए, फिर उनमें ए बी सी डी ई ये सब लिख दिए। लेबल ए आर जीरो, फिर ए को क्या रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो चलता ही जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक नंबर लाइन बन गया है। अब नंबर लाइन के फैक्ट्स क्या क्या है ये अपन देख लेते हैं। देर इज नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, यानी ये जो आर है इसकी इस साइड लेफ्ट साइड में कोई भी होल नंबर नहीं होगा, बिकॉज ज़ीरो इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि ज़ीरो है क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ए होल नंबर इज लेस देन अदर इफ दे लाइज इन लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन, यानी आपके कोई भी यहाँ से अपन को लेफ्ट में जाना पड़ रहा है तो वो क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक पीछे जाएंगे तो लेस होता है, आगे जाएंगे तो बढ़ता है। उसी प्रकार इसमें यही कह रहा है, ग्रेटर हो ग्रेटर देन होगा जब वो राइट पे जाएगा, ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब ये आ गए क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। देखिए राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबके सक्सेसर और प्रेडिसर बताने। तो जैसे ये नंबर है इसका सक्सेसर एक बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे कर भी रखा है, ये तो हम रख गया, प्रेडिसर में एक कम हो जाएगा और सक्सेसर में एक बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट। प्लस वन और ये माइनस वन, अगर ये कंसेप्ट याद हो तो ईजी है, प्लस माइनस करना तो आप सबको आता ही है। ये ध्यान रखना है, 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 1 मिलियन नहीं होता, 10 लाख, 10 लाख लिख देंगे, 10 लाख में एक जोड़ देंगे और एक कम कर देंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में करना इजी है, अपन ने देखा 0 1 2 3 सब लिख दो और उसमें से ये 1 वाला पोजिशन कहाँ पर वो बता दो, 5 वाला पोजिशन कहाँ है वो बता दो, बस इतना सा ही करना। आइए 3.1 में देखते हैं अपन, शुरू के दो क्वेश्चन अपन समझे, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। प्रिसीजर मतलब सक्सेसर मतलब क्या होता है, 1 प्लस करना, प्रिसीजर मतलब क्या होता है, 1 माइनस करना। आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर अपन ने बचपन में पढ़ा है, जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें अपन एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 3 2 5। सिमिलरली इसमें एक कम भी करेंगे तो कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 3 2 3, एक मैंने इसको कम कर दिया और एक इसको मैंने बढ़ा दिया। सिमिलरली ये भी ऐसा कैसे ही है, ये तो क्या हो जाएगा सक्सेसर और ये क्या हो जाएगा प्रेसीजर। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बता ही दिया है आपको, ये भी आपको खुद से ही करने। राइट डाउन द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन होता है, 0। ठीक है, अब ये नंबर बनाने हैं, ये भी आपको बता देते हैं। मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, इससे अपन को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। ये आप जस्ट 5th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये सारे डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट
और लार्जेस्ट। देखिए स्मॉलेस्ट में देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0 है, 0 अपन नहीं ले सकते, अपन 5 डिजिट नंबर बनाना। ये अपन फिफ्थ में कास्ट और से देखा था, उससे अलावा कोई भी लो पहले 2 ले लिया। अब बोलिए आप 0 लेते थे, 0 फिर उससे छोटा 5 फिर 8 और ये 9। और लार्जेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे लार्जेस्ट बना 9 8 5 2 0, ये नंबर बन गए और यही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी वॉल नंबर आर देयर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने वॉल नंबर है, ये आपको काउंट करने और आपको यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है। राइट डाउन द नेक्स्ट 4 कंजिक्यूटिव वॉल नंबर, 4 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, इसके बाद वाले 4 नंबर, यानी ये तो लिख रखा है, इसके बाद वाले 4 नंबर कौन से है? देखिए इसके बाद क्या आएगा, 8 8 9 7, एक तो ये हो गया, 8 8 9 8 दो हो गया, 8 8 9 9 तीन हो गया, फिर 8 9 0 0 4 हो गया। तो ईजी है, ये सारे 4 नंबर ही आपको लिखने हैं। इसमें देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज वॉल नंबर, ट्रू, सारे नेचुरल नंबर वॉल नंबर होते हैं। एवरी वॉल नंबर इज प्रोसीजर, सबके वॉल नंबर के प्रोसीजर होते हैं, फॉल्स, जीरो का नहीं होता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट वॉल नंबर, फॉल्स, जीरो होता है, 0 इज द स्मॉलेस्ट वॉल नंबर, ट्रू। ये एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर दी है 3.1, आप घर पे इसको करिए और इसको अच्छे से समझिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, वॉल नंबर क्या होता है, क्या इनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन बनाना भी इंपॉर्टेंट है, आप करिए और नेक्स्ट क्लास पे अपन आएंगे जब आगे के क्लासेस में आगे के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, बाय।